ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਸਿੱਧ ਬਾਬਾ ਸੋਡਲ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਰੀਬ 300 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਚੱਡਾ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਜਠੇਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰੀਬ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਤਲਾਬ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਦੀ ਕੁਟੀਆ ਸੀ। ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਦੀ ਕੁਟੀਆ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਚੱਡਾ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੱਡਾ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨੂੰਹ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਨੇ ਉਸਦੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਘਰ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਨ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਇੱਕ ਬਾਲ ਜਨਮ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਰੀਬ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦ ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਤਲਾਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕੀਤੀ। ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਲਾ ਜਦ ਤਲਾਬ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਤਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਸਨ ਬਾਬਾ ਸੋਡਲ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਸੋਡਲ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਡਾਲਾ ਚੌਕ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸੋਡਲ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਮੇਲੇ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। देखो जी, हमारे बाबा जी का इतिहास तो बड़ा प्राचीन है, काफ़ी वर्षों पुराना इतिहास है और मान्यता यहाँ ज़्यादा बच्चों की मनोकामना यहाँ पर पूर्ण होती है। बहुत प्राणी के एक अत्री मुनि जी रहते थे, वो नाग देवता के बहुत बड़े उपासक थे। वो मुनि जी के आश्रम में एक अनंत परिवार था जो कि बड़ी श्रद्धा और भावना से उनकी सेवा किया करता था और उस अनंत परिवार में एक कन्या का जन्म हुआ। तो कन्या बड़ी होने पर जैसे माता पिता उन अत्री मुनि जी के आश्रम में पूजा भावना में पाठ पूजा करते रहे, उसी तरह वह कन्या भी उसी भाव से श्रद्धा से पूजा पाठ करती रही। तो उनकी चड्ढा परिवार से अनंत परिवार से जो कन्या का विवाह चड्ढा परिवार में किया गया, लेकिन एक कुल से दूसरे कुल में जाने के बाद भी जो कन्या का जो भाव मन वो मुनि जी के आश्रम में लगा रहा। तो मुनि जी एक दिना बड़े प्रसन्न हुए उससे कि बेटा, आपकी श्रद्धा भावना से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, आप कुछ भी हमसे वर मांगिए। तो प्रणाम करती है, कहते महाराज जी, आपकी कृपा से मैं अपने चड्ढा परिवार बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। हाँ, अगर आप आशीर्वाद देना ही चाहते हैं तो मेरे विवाह के कुछ समय बीत गए हैं, मेरे अभी कोई संतान नहीं है, तो मुझे संतान का आशीर्वाद दीजिए। तो मुनि जी अंतर्यामी होते हैं, उसके सिर पर हाथ रखते हैं। तो मुनि जी देखते हैं कि उसके जीवन में संतान का सुख ही नहीं रहता। वो स्पष्ट बोल देते हैं, बेटा आपके जीवन में संतान का योग नहीं है, आपको संतान सुख नहीं है। तो प्रणाम करती है, चली जाती है, लेकिन उसके आवागमन और भावना श्रद्धा में जरा सा भी कोई अंतर नहीं आता। तो मुनि जी इस भाव से श्रद्धा से बहुत प्रसन्न होते हैं कि आज के इस कलयुग दौर में इतनी भावना और श्रद्धा। तो मुनि जी दोबारा अपनी उस कन्या के लिए तपस्या करते हैं और नाग देवता जी मुनि जी से प्रसन्न होकर उनको दर्शन देते हैं मुनि जी को। तो मुनि जी ने उस कन्या के लिए नाग देवता जी से प्रार्थना की, अगर आप महाराज हमारी तपस्या अर्चना पूजा से प्रसन्न हैं तो हमको उस कन्या के लिए वर चाहिए, वरदान चाहिए। बोले क्या बताओ। तो उन्होंने वही पुत्र की प्राप्ति के लिए कहा कि हम आ रही यही है अरदास की, आप उनकी झोली में बेटे का सुख दीजिए। तो नाग देवता जी ने सेम बात रिपीट की कि आप तो जानते हो उनकी किस्मत में संतान नहीं है। तो महाराज जी बोले, महाराज आप इस लोक के स्वामी हैं, आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। तो नाग देवता जी ने कहा, चलो आपकी भाव से मैं प्रसन्न हूँ, मैं मेरा खुद का एक अंश उनकी कोख से जन्म लेगा, लेकिन एक शर्त है, कभी डांटेंगी मारेंगी नहीं। अगर ये शर्त वो कबूल कर लेती हैं तो आप उनकी झोली में
कोई भी फल डाल दीजिएगा तो मेरा खुद का अंश उनकी कोख से जन्म लोगा। जब कन्या दोबारा आती है तो महाराज जी पूछते हैं, बेटा अगर तुम्हारी कोई संतान होगी कभी डांटोगे मारोगे तो नहीं? और बोलते महाराज जी जिस चीज के लिए मन इतना व्याकुल है उसको तो अपने दिल में समा के रखूंगी। और महाराज उनके झोली में फल डालते हैं तो चड्ढा परिवार में एक अद्भुत बालक पैदा होता है, नाग देवता जी का खुद का स्वरूप पैदा होता है और उनका नाम सोडी रखा जाता है। दिनों दिन समय बदलता जाता है तो हमारे जैसे बाबा जी का नीचे तालाब है तो एक पहले जमाने में तालाब के किनारे माताएं कपड़ा धोया करती, तो एक दिन माँ तालाब के किनारे कपड़ा धो रही थी और वहीं बालक सोडी खेल रहे होते हैं, तो माँ जैसे कपड़ा धो के सूखने को डाले तो वहीं बालक सोडी खेलते खेलते उस कपड़े को उठाएं और पानी जाल से उठाकर पानी में फेंक दें, तो बोले माँ ये सब छोड़ो चलो मुझे भूख लगी है भोजन दो दूध दो। तो माँ ने बोला बेटा रुको कपड़ा सुखवा के डाल लूँ मैं फिर चलती हूँ। तो एक बार दो बार तीन बार तो जैसे माँ कपड़ा सुखवाने को डाले वैसे वो उठा के पानी में फेंक देते, तो जैसे माताएं अपने बच्चों पर खिस जाती हैं तो वैसे माँ को गुस्सा आ गया कि बालक जैसे तू कपड़ा फेंक रहा है ऐसे तू जा डूब मर। तो बालक छोटी ने कहा अच्छा माँ मैं जाऊँ डूब मरूँ? हाँ जा तू। तो माता के मुख से दो तीन बार ऐसा शब्द निकल गया जिसके निकलने से माँ कपड़ा सुखवाने की ओर व्यस्त हो गई और बालक छोटी धीरे धीरे माँ की तरफ देखते देखते तालाब में जाते रहे और धीरे से जाकर तालाब में समा गए। जब माँ ने कपड़ा सुखवा कर पलटा पीछे देखा तो बेटा है ही नहीं, माँ चिल्लाने लगी बेटा सोडी कहाँ हो तुम कहाँ हो? काफ़ी देर रोने लगी माँ, जोर जोर से चिल्लाने लगी बेटा सोडी। तो माँ को वो दिन भी याद आया जो महाराज जी ने शर्त लगाई थी, माँ मन ही मन क्षमा याचना मांगने लगी, हे बेटा महाराज जी मुझे मेरे पुत्र से मिलवा दीजिए एक बार मिलवा दीजिए। काफ़ी देर माँ के रोने गिड़गिड़ाने के बाद माँ को उस बालक का चेहरा जो नाग देवता के स्वरूप में तालाब से बाहर निकले, स्वरूप पूरा नाग देवता का और बीच में बालक का मुख बाहर निकले, बोले माता हमारा और आपका साथ यहीं तक था। तो ये घटना अनंत चौदस भाद्रपद के शुक्ल पक्ष अनंत चौदस की है। उस दिन बाबा जी तालाब में से नाग स्वरूप में बाहर निकले थे और उस दिना से हर साल मेला लगाया जाता है। तो माँ से बालक छोटी ने कहा माता हमारा और आपका साथ यहीं तक था, लेकिन आज के बाद जो आपका चड्ढा परिवार है हर अनंत चौदस को यहाँ पर मेला करेगा और कोई भी व्यक्ति किसी भी श्रद्धा और भावना के साथ यहाँ आएगा उसकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होगी। विशेष रूप से पुत्र की प्राप्ति के लिए संतान भाइयों को बहनों को भाई मिलते हैं यहाँ पर, माताओं को पुत्र की प्राप्ति होती है और हर कामना यहाँ पर पूर्ण होती है। बोलो श्री सिद्ध बाबा सोडल महाराज की जय। अनंत चौदस।